तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज यहाँ हम बनाने जा रहे हैं अचार गोश्त। यहाँ मुझे किसी ने फरमाइश की थी कि अचार गोश्त की रेसिपी आप बनाना सिखाएं, तो इसलिए आज मैं अचार गोश्त बना रही हूँ। तो यहाँ पे अचार गोश्त बनाने के लिए मैंने जो लिए हैं सामान, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 किलो गोश्त, 1/2 किलो टमाटर, 2 बड़ी प्याज और यहाँ पे मैं अचार गोश्त का मसाले में ले रही हूँ पैकेट। अगर आप चाहें तो आप खुला भी ले सकते हैं या मैं पूरा पैकेट ले, तो मैं इसे अभी आधा इस्तेमाल करूँगी, बाकी मैं हरी मिर्चों में इस्तेमाल करूँगी, पूरा पैकेट नहीं लूँगी यहाँ पे। और 2 नींबू लिए हैं मैंने और लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पर मैं ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो अपने पास से मसाले लिए है, तो कुटी हुई लाल मिर्च है और नमक है और तेल में ले रही हूँ 1 प्याली, दही मैंने ली है 1 प्याली और हरी मिर्चें मैंने ली हैं 4 से 5। इसमें मैं डालूंगी, मसाला भरूंगी, तो चलें आपको मैं दिखाती हूँ। तो पहले हम मैरिनेट करेंगे। ये मैंने एक ले ली है बॉल, यहाँ पे मैं दही ले रही हूँ। दही मैंने फेंट लिया है पहले ही ताकि इसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें दही में दाना बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसमें पैकेट डाली हूँ आधा, ये देखें आधा मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे मिर्चों के लिए, ये देखें बाकी मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। यहीं पे मैं ये कुटी हुई मिर्चें और नमक डाल दूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू उड़ रही है यहाँ पे मसाले की। गोश्त भी यहीं डाल देती मैं इसी में। तो यहाँ पे देखें मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अचार गोश्त के मसाले को मिक्स करके रख रही हूँ मैं। आधा घंटा फ्रिज में मैरिनेट करके रख दूँगी। इतने में अपने यहाँ पे ये मैंने टमाटर लिए हैं, तो टमाटर को मैंने इसमें नहीं डाले हैं। टमाटर को मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के और पानी डाल के बॉयल करने रखूँगी, तो इसको मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे हम प्याज फ्राई कर लेते हैं और आधे घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ रही हूँ फ्रिज में। यहाँ पे मैंने एक तिली ले ली है। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच इसी में से तेल ले रही हूँ जो मैंने आपको तेल दिखाया था, 2 चम्मच के तेल डाली है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी अपने, तो यहाँ पर टमाटर चले जाएँगे। टमाटर को हल्का सा मैं भून लूंगी। अब इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डाल दूंगी ताकि स्लो आंच पे रख दूंगी ताकि गलते रहें टमाटर। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ गोश्त की तरफ कि गोश्त का मसाला मैरिनेट हो चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और इसको ढक्के में स्लो आंच पे रख दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए ताकि टमाटर बिल्कुल गल जाए। अब हम आते हैं अपने मसाले की तरफ। तो ये देखें पतीली गरम हो चुकी है हमारी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ऑयल, तेल यहाँ पे चला गया, तेल जैसे गरम होता है तो फिर मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज मैंने अभी तक नहीं डाली, ये देखें प्याज डालूँगी और इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमने, हल्का सा बिल्कुल लाइट ब्राउन लाइट गोल्डन गोल्डन सा करना है हमने इसको फ्राई। ये देखें यहाँ पे प्याज भी चल जाएगी, तेल गर्म हो चुका है, प्याज डाल दी मैं। बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा बनेगा अचार गोश्त और इसमें मैंने दही और टमाटर ज़्यादा ये ज़्यादा अचार गोश्त बन रहे थे, थोड़ी सी तो खटास होती ही है। प्याज फ्राई होती है हल्की हल्की सी, फिर मैंने जो मैरिनेट करे है वो भी देखें आप। ये देखें यहाँ पे मैरिनेट हो चुका है, यहाँ पे 1/2 घंटा हो गया है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको मैरिनेट करके छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने जल्दी बनाने हैं, तो आप प्याज फ्राई करके और दही एंड में डाल दीजिएगा। तो यहाँ देखें प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब जो मैंने मसाला लगा के रखा था गोश्त में, तो वो मैं डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही आहिस्ते से आराम से डालेंगे। ये देखें पानी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है और मैंने अभी नींबू इसमें नहीं डाला। यहाँ पे आज टेस्ट कर देती हूँ मैं,
तो यहाँ पे मैं तेज आंच पे भून रही हूँ, दही में अपना पानी छोड़ रही थी। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ रहा है, ये देखें। अच्छे से भुन गए, तो ये देखें अच्छे से ये भुन गए। मैं इसमें एक से डेढ़ ग्लास पानी ले रही हूँ, मैंने इसी में डाल डाले ताकि इसमें मसाला था, तो इसलिए मैंने इसमें एक से डेढ़ ग्लास पानी डाल दिया है। और अब मैं इसको ढक के रखूँगी पौने घंटे के लिए या एक घंटे के लिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आधे घंटे से 15 मिनट ऊपर लूँगी, यानी कि पौना घंटा यहाँ पे ढक के रख रही हूँ। लीमू अभी मैंने नहीं डाला है, चूल्हा आँच पे रखूँगी ढक के। तो ये देखें इस पर मैं रख रही हूँ चूल्हा आँच पे मैं, और टमाटर भी वहाँ पे मेरे गल रहे हैं, उसको भी मैंने बिल्कुल चूल्हा आँच करी है, पानी ही अभी उसमें मैंने चेक करा था। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको पौने घंटे बाद। पौना घंटा हमारा हो चुका है, यहाँ पे देखें पानी खुशक हो गया है और तेल भी ऊपर आ गया है, तो इसको मैं भून लूँगी। और यहाँ पे मैंने टमाटर जो मैंने बॉईल करके उसको मैंने निकाल लिए थे, तो ये प्यूरी बन गई है बिल्कुल टमाटर की, तो ये भी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। ये देखें आप इसको भी डाल के मैं भुनाई कर लूँगी। ये देखें आप अच्छे से करके मैं भुनाई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं हरी मिर्च, ये चुनाव कर ली मैंने, हरी मिर्ची मैंने नहीं भरी थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये जो आधा मैंने लीमू ले रही हूँ, आधा लीमू छोड़ रही हूँ, यहाँ पे मैंने लीमू डाल दिए, बीज मैंने निकाल लिए थे इसके, तो ये सिर्फ आधा लीमू ले रही हूँ। हरी मिर्ची मैंने कट लगा ली थी, मैंने आपको दिखाई थी, बीज निकाल लिए थे उसके बाहर, तो ये मैं भरूँगी। बिल्कुल पतला नहीं करना है हमने इसका, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है ताकि मसाला बाहर ना आए। तो ये मैं भर रही हूँ, ये देखें आप चाहें तो आप थोड़ा सा, अगर आपको लूज करना हो तो आप लूज कर लीजिएगा। मसाला वैसे मैं थोड़ा गाढ़ा ही रख रही हूँ, इसमें खुशक खुशक रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलें बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, हरी मिर्ची भर जाती हूँ। तो ये देखें हरी मिर्ची यहाँ पे मैंने भर ली हैं, सारी हरी मिर्ची मैंने भर ली यहाँ पर। यहाँ मसाला तैयार करती हूँ, भूनती हूँ, तैयार तो है जाहिर सी बात है, अब सिर्फ भुनना रह गया। तो मैं ये भुनाई कर रही हूँ और ये देखिए इतना मज़ेदार चटपटा सा मसाला तैयार हुआ है इसका। आप मेरे तो अभी से मुँह में पानी आ रहे, तो आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे भी बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा बना है। तो चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ। और हरी मिर्ची भी बिल्कुल मैं अभी यहीं डाल देती हूँ ताकि ये इसके मसाला थोड़ा सा मिक्स हो जाए। हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ और हल्का सा इसके, ताकि मसाला बाहर ना आए, इसलिए मैं इसको ज़्यादा भून नहीं रही, तो हल्का हल्का मसाले इसके अंदर लगे रहना चाहिए। ये मैं हरी मिर्ची डाल के एक दफ़ा और आपको भुनाई करके दिखा रही हूँ। ये देखें और कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि आप रेस्टोरेंट के में ना अचार गोश्त खा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये। तो चलें इसको निकालती हूँ मैं डिश में। तो चलिए चूल्हा यहाँ पे मैं बंद कर देती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मैंने डिश आउट कर दिया है अचार गोश्त, और ये जो मैंने लीमू आपको बताया था, तो ये मैं थोड़ा ऊपर ही निचोड़ रही हूँ। ये देखें ये मैंने ऊपर डाल दिए, आप चाहें तो अंदर भी डाल सकते हैं, आधा मैंने यहाँ पे तो मैंने इसलिए डाल दिए। अगर आप चाहें तो अंदर मसाले के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, अगर आपको ऊपर नहीं अच्छा लगे तो। यहाँ पे हमारे तो सब पसंद करते हैं ऊपर लीमू डाला हुआ हो, तो अचार गोश्त का पता चलना चाहे पता चले कि भाई बहुत चटपटा खट्टा सा मसाले चटपटा सा मसालेदार अचार गोश्त बना है। तो ये देखें कितना मज़ेदार और कितना अच्छा नज़र आ रहा है। चलें तो मुझे बताइए कमेंट्स में कि ये कैसा बना आपसे, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।